अगला इलस्ट्रेशन नोट डाउन करो। इसमें तुम्हें के की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है क्या? पॉजिटिव वैल्यूज निकालनी है के की, ठीक है क्या? डिटरमाइन द पॉजिटिव वैल्यूज, पॉजिटिव, ठीक है क्या? पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ के फॉर विच, फॉर विच एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 इक्वल्स टू जीरो एंड एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इक्वल्स टू जीरो विल हैव रियल रूट्स, ठीक है क्या? ठीक है बा, अच्छा तो इसमें इक्वेशंस को नाम दे लेते हैं पहले, सवाल को अच्छे से थोड़ा समझ लो। इसमें हमें k की पॉजिटिव वैल्यूज निकालनी है, जिसके लिए दो इक्वेशंस, देखो दोनों में k का इस्तेमाल हो रहा है, दो इक्वेशंस हैं और दोनों का हम ये चाहते हैं कि उनके रियल रूट्स हों, मतलब दोनों के रूट्स एग्जिस्ट करें। इसका मतलब लेट ऐसा कर लेते हैं, इसको सॉल्यूशन इसका लिखना शुरू करो, ठीक है क्या? fx बराबर इसको ऐसा लिख लेते हैं x स्क्वायर प्लस kx प्लस 64, ठीक है क्या, बराबर 0। gx बराबर x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k इक्वल्स टू 0, ठीक है क्या? और d1, ठीक है क्या, उसको ऐसा मान लो तुम, इसको d1 और d2 ही लेना पड़ेगा, ठीक है क्या? d1 और d2 बराबर डिस्क्रिमिनेंट ऑफ fx इक्वल्स टू 0, ठीक है क्या, बराबर डिस्क्रिमिनेंट ऑफ जी एक्स इक्वल टू 0, ऐसा, ठीक है क्या? तो अब देखो हमें ये गिवन है कि d1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एज वेल एज d2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है क्या? इनइक्वालिटी वाला मामला है। अगर रियल रूट्स अगर होने हैं दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, तो d1 को भी बड़ा होना पड़ेगा 0 से, या फिर वो 0 के बराबर भी हो सकता है। रियल रूट्स का मतलब सिंपली रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है क्या? इस चीज का मतलब तुम क्या निकालोगे? दैट रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है, ऑफ बोथ द इक्वेशंस, रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है, ऑफ बोथ द इक्वेशंस। बस ये इंफॉर्मेशन तुम एक्चुअल में निकाल के रखोगे सामने, ठीक है क्या? तो अब रूट्स अगर एग्जिस्ट करते हैं, इस चीज से एक्चुअल में क्या निकल कर आता है तुम्हारे पास, कि भाई डी तुम्हारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है क्या? तो d1 अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगर तुम्हें करवाना है, ठीक है बात, तो उसमें तुमको लिखना क्या पड़ेगा, b2, ठीक है क्या, b2 माइनस 4 a इनटू c, ठीक है क्या, ऐसा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और साथ ही साथ कॉमा करके यहां पर d2, ठीक है क्या, यानी क्या लिखना पड़ेगा, माइनस 8 का होल स्क्वायर b2 माइनस 4 a into c, ठीक है क्या, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब तुम यहां पर देख रहे रहोगे मैंने कंपेयरिंग विद वो स्टैंडर्ड फॉर्म वगैरह वो सारी चीजें नहीं लिखी है, बिकॉज ऑलरेडी मेरे पास काफी सारी चीजें लिखी हुई आ गई है, ठीक है क्या? अगर वो सब भी मैं अगर करने जाऊंगा तो बहुत हचपच हो जाएगा करके, ठीक है क्या? इसलिए मैं डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यूज ऐसा इस तरीके से डायरेक्टली लिखता हूँ, ठीक है क्या? अब देखो यहाँ पर क्या चीज मेरे पास निकल के सामने आती है, के स्क्वायर माइनस 256 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक तो ये चीज आ रही है मेरे पास, अच्छा इसके अलावा यहाँ देखो दूसरा क्या चीज आ रही है मेरे पास, 64 माइनस 4k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये चीज आ रही है। तो k स्क्वायर अगर तुम दोनों साइड अगर तुम 256 अगर ऐड करो, ठीक है क्या, तो ये सिचुएशन आ जाएगी। अब k की क्योंकि वैल्यूज पॉजिटिव है, इसलिए तुम ऐसा बोल सकते हो k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16, ठीक है क्या, 16 का ही ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, ऐसा मैं इसीलिए बोल पा रहा हूँ बिकॉज k इज ग्रेटर देन 0। अगर ऐसा नहीं होता तब फिर क्या होता, तब उसमें एक्चुअल में वो चीज थोड़ा सा तुम्हारे हायर क्लासेस की है, हायर स्टैंडर्ड की है। जैसे अगर मान लेते हैं यहाँ पर इस इनइक्वालिटी में तुम्हारे पास के अगर ग्रेटर देन 0 अगर नहीं होता, तब इस इनइक्वालिटी का जो एक्चुअल सॉल्यूशन आता वो अभी तुम्हारे 10th के सिलेबस के स्कोप के बियॉन्ड है बिल्कुल, लेकिन फिर भी तुम सीख लो इस चीज को कैसे करते हैं। इसको तुम ऐसा लिखते के माइनस 16 के प्लस 16, ठीक है क्या, ऐसा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो नंबर लाइन पे कहां कहां पर तुम्हारे पास साइन चेंज आ रहा है, एक तो माइनस 16 पर साइन चेंज होगा, एक तो 16 पर साइन चेंज होगा। 16 के आगे की जितनी भी वैल्यूज हैं उसके लिए देखो क्या होगा, ये ब्रैकेट भी पॉजिटिव है, ये ब्रैकेट भी पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव तुम्हें पॉजिटिव ही मिलना है। अब देखो 16 के और माइनस 16 के बीच में जो के की वैल्यूज रहेंगी उसके लिए
ये वाला ब्रैकेट जो रहेगा तुम्हारा वो नेगेटिव रहेगा, ये वाला ब्रैकेट जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा तुम्हारे पास। तो पॉजिटिव इनटू नेगेटिव तुम्हें नेगेटिव वैल्यूज देगा, ठीक है। ये अब मेरे को चाहिए नहीं, क्योंकि मेरे को तो जो ओवरऑल वैल्यू चाहिए वो पॉजिटिव चाहिए ना, तो ये वाला मैं अपने पास रखूंगा आंसर में, ठीक है। ये वाला भी मैं अपने पास रखूंगा आंसर में, क्यों ऐसा? क्योंकि जब ये वाला ब्रैकेट भी नेगेटिव होगा, k की वैल्यूज जब -16 से कम होगी, तो ये वाला ब्रैकेट भी नेगेटिव होगा और ये वाला ब्रैकेट भी नेगेटिव होगा, नेगेटिव इनटू नेगेटिव पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव वाली वैल्यूज ही मेरे को चाहिए, ठीक है। या 16 और -16 पे तो एक तो जीरो हो रहा है, तो 16 भी मेरे को चाहिए और -16 भी चाहिए, और 16 से नीचे वाली वैल्यूज भी चाहिए और 16 के ऊपर वाली वैल्यूज भी चाहिए। अभी अभी जो मैंने बात कही अगर तुम्हारे समझ में आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अगर समझ में आई तो तुम अलग से मुझसे व्हाट्सएप मैसेज वगैरह करके पूछ सकते हो, बट इसमें ज्यादा लोड लेने की बातचीत नहीं है, ठीक है। एक बार यहाँ इसका ट्रू सॉल्यूशन कैसा होता कि एक तो -16 से अगर छोटा होगा तो भी तुम्हारे पास k स्क्वायर -256 वो पॉजिटिव हो जाएगा, k अगर तुम्हारे पास 16 से अगर बड़ा होगा तो भी तुम्हारे पास k स्क्वायर -256 विल बी ग्रेटर देन 0, ठीक है, विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ग्रेटर देन इक्वल टू में ये वाली चीज अपन ऐसी लगा लेते हैं, ठीक है। के बाद अब उसमें क्योंकि ऐसा कहा गया है कि k तुम्हारे पास पॉजिटिव है, इसीलिए तुम ऐसा बोलोगे कि भाई ये वाली चीज तो अपने को रिजेक्ट करनी पड़ेगी, k क्योंकि पॉजिटिव है इसीलिए ये वाली k की वैल्यूज ही हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने वही चीज लिख रखी है, ठीक है। अब ये सब चीजें जो मैंने अभी तुम्हें बताई ये किसी किताब में एक्चुअल में तुमको लिखी लिखाई ऐसा डायरेक्ट नहीं मिल जाने वाली, ठीक है। ये थोड़ा सा हायर स्टैंडर्ड से ये चीज आती है, 11th वालों को ये चीज सिखाई जाती है, बहुत ही कॉमन सी चीज है ये, बट तुम्हें भी ताकि ये चीज पता रहे अभी 10th में ही, इसलिए मैंने ये बता दिया है तुम्हें, ठीक है। अब ये वाली जो इनइक्वालिटी है दूसरी वाली, उसको तो सॉल्व करना तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले -1 से पहले 4 से तो डिवाइड कर लो, ठीक है। 16 माइनस के, अब पॉजिटिव क्वांटिटी से अगर तुम डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, फिर -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लो तो इनइक्वालिटी के साइन में चेंज आ जाएगा। अब इससे दोनों साइड तुम 16 का एडिशन कर लो तो तुम्हारे पास ये चीज बनेगी, ये इनइक्वालिटी बन जाएगी, ठीक है। अब इससे मेरे पास देखो, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं, इनइक्वालिटी नंबर 1 दे देता हूं, इसको मैं इनइक्वालिटी नंबर 2 दे देता हूं, ठीक है। फ्रॉम 1 एंड 2 मैं ऐसा बोल सकता हूं कि k की वैल्यू एक ही पॉसिबल है, वो है 16, ठीक है। एक इनइक्वालिटी बोलती है कि k या तो 16 से छोटा होगा या फिर उसके बराबर होगा, दूसरी इनइक्वालिटी बोलती है k की वैल्यू या तो 16 से बड़ी होगी या तो 16 के बराबर होगी। इन दोनों से मैं ये पक्का बोल सकता हूं कि k की एक ही वैल्यू हो सकती है जो कि है 16, ठीक है। तो उसके बाद फाइनल आंसर वाला स्टेटमेंट तुम अपना लिखे हुए, द वैल्यू ऑफ k, ठीक है, द वैल्यू ऑफ k इक्वल्स टू 16, ऐसा इस चीज को अपना आंसर बता देना, ठीक है। बात अच्छा, तो यहां पर इनइक्वालिटी सोल्व करने के दौरान यहां से यहां पर तुम्हारे ऊपर एक प्रेशर आएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ एक्चुअल में तुम्हारे ऊपर एक प्रेशर आएगा, तुम अगर चाहो तो मैं इनइक्वालिटी तुम्हें थोड़ा सा और सॉल्व करना सिखा सकता हूँ। जैसे अगर मान लेते k स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0, ऐसा अगर तुम्हारे पास सिनेरियो आया रहता तो k माइनस 2 इसको कैसे लिखे रहते तुम, k प्लस 2 ऐसा इज लेस देन इक्वल टू 0, कहां कहां पर ये चीज 0 हो रही है उस चीज को देख लो, देखो माइनस 2 और 2 ऐसा, ठीक है। 2 से बियॉन्ड अगर तुम जाओगे तो हमेशा तुम्हें जो वैल्यूज मिलेगी वो पॉजिटिव मिलेगी दोनों ब्रैकेट की, माइनस 2 से 2 के बीच में हमेशा तुम्हें दोनों ब्रैकेट का जो प्रोडक्ट मिलेगा हमेशा नेगेटिव मिलेगा, और माइनस 2 से छोटी वैल्यूज ऑफ k के लिए तुम्हें जो दोनों प्रोडक्ट्स का जो ब्रैकेट का प्रोडक्ट मिलेगा, ये और ये, इन दोनों का जो प्रोडक्ट मिलेगा हमेशा नेगेटिव मिलेगा। हमको क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए या तो 0 चाहिए, 0 हमें यहाँ पर मिल रहा है और नेगेटिव देखो कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर, ठीक है। के बाद तो ये वाला जो मेरा जोन है माइनस 2 से 2 के बीच k का, ठीक है, माइनस 2 से 2 के बीच k का जो जोन है वो मुझे इस दोनों के ब्रैकेट्स के प्रोडक्ट को लेस देन इक्वल टू 0 बना के देगा। तो इसका सॉल्यूशन कैसे आ गया मेरे पास, के कहां से कहां तक होना चाहिए मेरे पास, माइनस 2 से 2 तक, ये ऐसा ऐसे इनइक्वालिटीज को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। के बाद अब ये चीज मैं इतनी क्विकली इसीलिए कर पा रहा हूँ बिकॉज ये इनइक्वालिटीज करके एक बड़ा भारी भरकम सा ऑलरेडी 11th में एक चैप्टर होता है, ठीक है। बात अब वो चीज जब एक इंसान करेगा तब उसके सामने मतलब ये सब वो फिर बड़ी आसानी से बना सकता है, ठीक है। बट 10th के लिए जितना अभी ऊपर में हम लोगों ने डिस्कशन किया वो उतना सफिशियंट है, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें उसमें फुल एंड फाइनल एक बार इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना एक बार और सिखा देता हूँ, ठीक है। लेट्स से अगर तुम्हारे पास कभी इस टाइप की इनइक्वालिटी आई, या तो इस टाइप की आएगी k स्क्वायर माइनस 16 इज लेस देन इक्वल टू 0, या फिर इस टाइप की इनइक्वालिटी आएगी k स्क्वायर माइनस 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इन दोनों ही टाइप की इनइक्वालिटीज में एक तो हो गया तुम्हारा -4, एक हो गया तुम्हारे पास +4, ये ऐसा ओपन अप होगा ना, k माइनस 4 k प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो हमें वो वैल्यूज ऑफ k निकालनी है जिसके लिए ये वाला जो प्रोडक्ट है ना मेरे पास ये कैसा हो, या तो 0 के बराबर आ जाए या तो लेस देन 0 रहे। अब देखो जरा यहाँ ये वो पॉइंट्स है जहां पर ये दोनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट जो है वो 0 बनेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये दोनों पॉइंट्स तो मेरे सॉल्यूशन वाले सेट में रहेंगे ही रहेंगे। अब देखो जरा, जब जब k की वैल्यू 4 से बड़ी रहेगी, 4 से जब जब k की वैल्यूज बड़ी रहेंगी, तब दोनों ब्रैकेट तुम्हारे पास पॉजिटिव रहेंगे, तो दोनों का जो प्रोडक्ट रहेगा, दोनों ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट रहेगा वो भी तुम्हारे पास पॉजिटिव रहेगा।
तो यहाँ जो ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अच्छा, अब जब k की वैल्यू माइनस चार से बड़ी होगी बट चार से छोटी होगी, तब तुम्हारे पास ये वाला जो ब्रैकेट है ये तो पॉजिटिव आएगा, बट ये वाला जो ब्रैकेट है ये नेगेटिव आएगा तुम्हारे पास। जब वैल्यूज तुम्हारे पास चार से छोटी होंगी बट माइनस चार से बड़ी होंगी, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव ये दोनों ब्रैकेट जब मल्टीप्लाई होंगे तब तुम्हारे पास ओवरऑल ब्रैकेट की जो साइन बनेगी दैट वुड बी नेगेटिव। ठीक है क्या? अच्छा, अब उसके बाद माइनस चार से जब छोटी वैल्यूज के लिए तुम काम करोगे तब उसमें दोनों ही ब्रैकेट्स नेगेटिव बनेंगे और उन दोनों ब्रैकेट्स का जो प्रोडक्ट बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। तो यहाँ पर तुम्हारे पास वैल्यूज जो आएंगी माइनस चार से छोटे में वो पॉजिटिव आएंगी। अब मुझे दोनों ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट कैसा चाहिए, तुमको कैसा चाहिए? मेरे को नेगेटिव चाहिए या तो जीरो चाहिए। तो नेगेटिव देखो मेरे को कहां पर मिल रहा है, ये यहाँ पर बीच में, यानी के की इन वैल्यूज के लिए माइनस चार से चार के बीच। और चार को मैंने, चार पर मैंने ये इक्वालिटी वाला साइन इसीलिए लगाया बिकॉज के की ऐसी वैल्यू जिसके लिए वो ब्रैकेट जीरो बन जाए वो भी तो एक्सेप्टेबल है। तो मेरे पास फुल एंड फाइनल आंसर ये बन के आएगा। ठीक है बात। ठीक इसी तरह से अगर इसी इनइक्वालिटी को अगर तुम सॉल्व करो के माइनस फोर के प्लस फोर, ठीक है के बाद इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। पहले तो मैं अगेन एंड अगेन तुमको ये चीजें बता दूं, दिस थिंग्स आर आउट ऑफ सिलेबस। अब सिलेबस के बाहर है तो हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि तुम दूसरों से आगे रह सको। ठीक है बात, अपने बाकी जो टेंथ वाले तुम्हारे यार दोस्त हैं उनसे ताकि तुम आगे रह सको इसलिए ये चीज पढ़ रहे हो। ठीक है, दो मिनट लगता है हार्डली नई चीज को सीखने में, तो उसमें मुंह नहीं बनाना है ज्यादा। ठीक है, अरे यारे तो क्या बोल रहा है तो समझ ही नहीं आ रहा, तो उसके लिए बार बार देखो, अगर फिर भी ना समझ में आए तो फिर चीजें पूछो कि ये चीज कैसे हुई क्या हुई करके। ठीक है, पर उसमें मुंह नहीं बनाना है। कुछ लोगों को नई चीज जैसी उनके सामने आती है फिर वो मुंह बनाने लगते हैं। ठीक है, तो वैसा मत रहो। नई चीज कभी भी अगर तुम्हारे सामने आए तो एक फाइटिंग उसके सामने कैसा अपने को स्टैंड रखना चाहिए। ठीक है भाई, सीखना है करके। खैर, तो यहाँ देखो वही दो ब्रैकेट तुम्हारे पास बनेंगे, वो पूरा डिस्कशन मैं वापस से नहीं कर रहा हूँ नंबर लाइन, क्योंकि वही की वही बनने वाली है सेम टू सेम। ठीक है, बस मुझे इनइक्वालिटी का दूसरा पहलू तुम्हें दिखाना था, ग्रेटर देन इक्वल टू वाला। लेस देन इक्वल टू वाला तो अपने कर लिया, तो ग्रेटर देन इक्वल टू वाला मैं करके दिखा रहा हूँ। अभी यहाँ पर चार से अगर के की वैल्यूज अगर बड़ी होंगी तो दोनों ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। माइनस चार से चार के बीच में जब भी के की वैल्यूज रहेंगी तो दोनों ब्रैकेट्स का जो प्रोडक्ट होगा नेगेटिव होगा। ये वाला डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, अब जब के की वैल्यूज माइनस चार से भी छोटी होंगी तो दोनों ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, क्योंकि इंडिविजुअली दोनों ब्रैकेट्स नेगेटिव होंगे। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब मुझे आंसर में क्या चाहिए, मुझे चाहिए या तो जीरो हो जाए, यानी ये वाली दोनों वैल्यूज चलेगी मेरे को, के अगर माइनस चार या चार हो गया तो दोनों ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, वो चीज चलेगी मेरे को। और देखो माइनस चार से अगर के छोटा हो गया तो भी दोनों ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, वो भी चलेगा। और अगर के की वैल्यू चार से अगर बड़ी है तो भी दोनों ब्रैकेट्स का जो प्रोडक्ट है वो भी पॉजिटिव हो गया, वो भी चलेगा मेरे को। तो इसका आंसर कैसा होगा, के या तो ग्रेटर देन फोर हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू, या फिर और के की वैल्यू लेस देन इक्वल टू माइनस चार हो जाए। ये दोनों ही इनइक्वालिटीज का जो यूनियन है, ठीक है क्या, वो मेरा एक्चुअल में सॉल्यूशन सेट होगा, वो मेरा आंसर होगा। ठीक है बात, तो इनइक्वालिटीज इस तरीके से सॉल्व की जाती हैं। ठीक है क्या, ये चीजें मैंने बस तुम्हें इसलिए बताई ताकि ऊपर जो मैंने डिस्कशन किया था थोड़ा सा ये वाला यहाँ से यहाँ तक का, इसमें तुम्हें थोड़ी सी मदद मिले। ठीक है बात, अगर फिर भी अगर तुम्हें चीजें अगर नहीं समझ में आई है तो फिर भी तुम मेरे को उसमें फिर पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, मैं उसमें तुम्हें वो चीजें सिखा दूंगा। ठीक है क्या, और मतलब इलस्ट्रेशंस वगैरह लेकर जब तक तुम उसमें कंफर्टेबल ना हो जाओ, वैसे वो टॉपिक्स 11th के हैं, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है क्या, एक बात और कि 10वीं सीबीएसई बोर्ड में तुम्हें इनइक्वालिटी वाला नेचर ऑफ रूट्स के जो सवाल हैं वो मोस्ट प्रोबेबली कम आएंगे, उसके चांस कम है काफी। ठीक है क्या, रेयर है, उसमें ज्यादातर सवाल तुम ये वाले फेस करोगे कि इक्वल रूट्स दिए हुए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, लग जा अननोन वाला जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू वगैरह निकालो, या फिर इस टाइप के सवाल आसान आसान, मतलब इक्वल रूट्स वाले, डी बराबर जीरो वाले, वो चीजें तुम एनकाउंटर करने के उसके 99% प्रोबेबिलिटी है तुम्हारे पास। ठीक है बात, इसमें ये इलस्ट्रेशन मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा तुम्हें। दो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी, दोनों का तुम्हें दिया हुआ था कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो पॉजिटिव है, ठीक है क्या, या फिर जीरो भी हो सकता है, खाली रियल रूट्स बोले थे ना, इसका मतलब खाली ये कहा गया था तुम्हें कि रूट्स एग्जिस्ट, इससे तुम सिर्फ ये बता सकते हो कि डिस्क्रिमिनेंट जो होंगे वो कैसे होंगे, तुम्हारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होंगे। तो जैसे ही तुमने दोनों इनइक्वालिटीज सॉल्व की उसके बाद एक ही तुम्हारे पास सॉल्यूशन इससे, जो दोनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर रहा था, एक ही इससे सॉल्यूशन बन के निकल के आता है तुम्हारे सामने, विच इज के इक्वल टू 16। ठीक है के बाद, तो एक बड़ा ही प्यारा सवाल था ये। ठीक है, मुझे अच्छा लगा, मजा आई मुझे इसमें। ठीक है, बट ये बोर्ड्स में आने लायक सवाल नहीं है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, ये चीज ठीक है, अगले इलस्ट्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है,